तो फ्रेंड्स आज हम जो बनाने लगे हैं वो है एक ब्लूटूथ स्पीकर जो कि एक ट्रांसपेरेंट लुकिंग ब्लूटूथ स्पीकर है इसके लिए हमें चाहिए एक इस तरीके का पुराना क्रिएटिव का स्पीकर है मेरे पास क्रिएटिव गीगा वर्कस का ये स्पीकर है इसमें से मैंने स्पीकर ड्राइवर निकाल लिया और स्पीकर ड्राइवर निकालने के बाद मैं इसके अंदर से इसके ये इसके स्पीकर कौन निकाल रहा हूँ जिससे हम बनाएंगे बेस रेडिएटर्स और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है मार्केट में सामान नहीं मिल रहा तो घर में जो चीज़ें अवेलेबल हैं उन्हीं से मैंने कहा कि कुछ बना लेते हैं ये मेरे पास दो कंटेनर्स uh, पड़े हुए थे तीन मैंने इनसे सोचा कि स्पीकर बना लिया जाए तो आइडिया काफ़ी क्रिएटिव आप लोगों को पसंद आने वाला है इसको इस तरीके से कट कर लें आप जिस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ आपको और ये थर्ड uh, जो कंटेनर है इसको मैंने इस तरीके से सेंटर से काट लिया ये हमारा सेंटर का पार्ट बनेगा आप लोग वीडियो में बने रहिएगा आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ में आएगी अब मैं यहाँ से एक फ्रेंिज को कट कर रहा हूँ जिसकी मदद से मैं ग्लू इसमें अप्लाई अपलाई करूंगा ग्लू जो है बहुत केयरफुल अप्लाई करना है इसके अंदर जो एडिसिव है हमारा रबर सीमेंट इसको मैंने इंजेक्शन से अप्लाई करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि ये फैलना जाए मैस हो जाएगा काफ़ी अंदर कंटेनर के अंदर और हमें से ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि ये कंटेनर क्लियर रहे ताकि आपके अंदर का जो इसके अंदर का जो बेस रेडिएटर है वो काफ़ी अच्छी तरीके से नजर आए और काफ़ी मज़ा आने वाला है आप लोगों को वीडियो के अंदर ये देख रही है आप मैं इसके अंदर इंजेक्शन की मदद से मैं इसके अंदर रबर सीमेंट अप्लाई कर रहा हूँ इसको बिल्कुल केयरफुली अप्लाई करना है ज़्यादा स्पिल ना हो फैलेगा तो बुरा लगेगा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और ये रबर सीमेंट जो है इतनी आसानी से छूटता भी नहीं है और अपनी जगह पर बिल्कुल टिका रहता है तो हमें जब हम बेस रेडिएटर इसके ऊपर प्लेस कर रहे होंगे तो वो भी बहुत ही केयरफुली से बहुत ही सावधानी से बहुत ही देखते हुए हमें अच्छी तरीके से केयरफुली इसमें प्लेस करना है ये देखिए मैं बिल्कुल आराम से कर रहा हूँ आप लोग देख रहे हैं और इसमें ये बेस रेडिएटर आने के बाद मैं इसमें केयरफुली बिल्कुल प्लेस कर दूंगा क्योंकि ज़रा सा भी अगर टच हो गया ग्लू को तो वो ग्लू फैल जाएगी इसके अंदर ग्लू फैल जाएगी तो उसके निशाना अंदर नजर आएंगे इसकी ट्रांसपेरेंसी बुरी लगेगी फिर और ग्लू का कलर क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट तो है लेकिन साथ में ये येलो ऑरेंज कलर है इसका येलो ऑरेंज टाइप का तो वो और बुरा लगता है ये देखिए मैंने इसमें रेडिएटर प्लेस कर दिया और मैं अब इसके पीछे की तरफ यहाँ पर सेंटर के अंदर जो है ज ग्लू अप्लाई कर रहा हूँ इसकी रबर सीमेंट और इसके ऊपर हम यहाँ पर वेट ऐड करेंगे काउंटर वेट हमारा चाहिए स्पीकर को रेजिस्टिव रखने के लिए बेस रेडिएटर को थोड़े से रेजिस्टेंस चाहिए अगर रेजिस्टेंस नहीं होगी तो बेस नहीं बनेगी बेस के लिए मैं यहाँ पर मेरे पास दो मैगनेट्स पड़े हुए थे एग्जैक्टली सेम साइज़ के मैगनेट्स हैं जो सेंटर में बिल्कुल फिट हो जा रहे हैं यहाँ मैंने इसी ग्लू की मदद से इसके अंदर फिक्स कर दिया है और दोनों में मैं इसे अच्छी तरीके से लगा दूंगा ये देखिए आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से उसके बाद मेरे पास यहाँ पर कुछ ट्रांसफार्मर की कॉइल्स पड़ी हुई थी वाइंडिंग्स मैंने इसमें से जो हैवी गेज वाली वाइंडिंग है वो ले ली है और यहाँ पर मैं एक सुई की मदद से इसके अंदर पिरो रहा हूँ बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मुझे नज़र नहीं आ रहा ब्लर हो गया था कैमरा तो उसके लिए मज़रत और उसके लिए सॉरी और ये मैंने इसके अंदर सुई के अंदर इसे पिरो दिया नीडल ले ली थी और मैं इसके एज से बिल्कुल कॉर्नर से यहाँ से मैं वायर्स को दूसरी तरफ लेकर कर आऊँगा ताकि हमारा बेस रेडिएटर भी ख़राब ना हो और आपने एयर टाइट का बड़ा ध्यान रखना है मैं इसके अंदर बाद में ग्लू अप्लाई करूँगा ताकि जो है इसमें से कोई एयर लीकेज ना रहे बेस रेडिएटर लगाते हैं तो आपको एयर टाइट का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है एयर टाइट का दो हम वायर्स गुजारेंगे यहाँ से दो कॉपर के वायर मैग्नेट वायर्स भी इसे कहते हैं लोग इसे कोयल भी कहते हैं कोयल वाला वायर जो होता है आपका कोटेड होता है ये इससे आपस में टच होने से कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होता इसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ी हुई होती है दो वायर हमने पास कर दी और यहाँ पर मैं एयर टाइट के लिए ग्लू अप्लाई कर दे रहा हूँ ताकि ये एयर अपनी जगह एयर टाइट रहे बिल्कुल बनी रहे एयर जरा सी भी लीकेज ना हो जरा सी भी एयर लीक होगी तो मज़ा नहीं आएगा इसके बाद मैं इसमें यहाँ से ऊपर वाली टॉप वाली साइड जहाँ पर है मैं इसके ऊपर से इसकी कोटिंग हटा रहा हूँ कॉपर वायर की ताकि हम इस पर यहाँ पर हम अपना स्पीकर के वायर सोल्डर कर सकें स्पीकर पर अब मैं स्पीकर फोटी एम mm के दो स्पीकर ड्राइव यूज़ कर रहा हूँ थ्री वाट इसके आउटपुट है और थ्री ओम्स है ये मैं इसके ऊपर इसके वायर्स ऑर्डर कर दे रहा हूँ वो दो कॉपर वायर्स जो मैंने जिनके ऊपर से कोटिंग हटाई थी वो मैं इसके ऊपर यहाँ पर ऑर्डर कर दूँगा अच्छी तरीके से ये देखें दोनों स्पीकर मैं अपने इसी तरीके से कर लेना है सोल्डरिंग करने के बाद हम इसमें यहाँ पर केयरफुली ग्लू अप्लाई करेंगे जो हमने होल किया था होल सॉ की मदद से दोनों कंटेनर्स के एंड साइड पर हमने होल किया था वहाँ पर हम ग्लू केयरफुली अप्लाई करके इसको स्पीकर उसके ऊपर केयरफुली प्लेस करेंगे आप देख रहे हैं अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो से आप एंटरटेन हो सकें ये देखिए इसके ऊपर केयरफुली आपने प्लेस करना है बिल्कुल स्पीकर जो है ग्लू यहाँ पर भी स्पिल होगी तो बुरा लगेगा अब ये स्पीकर होगा क्या जब ये स्पीकर मूव होगा तो ये नीचे बेस रेडिएटर को हिलाएगा जिसकी मदद मतलब से बेसिस की इन्हांस हो जाएगी आ, स्पीकर का फेस फायरिंग आउटसाइड है तो ये बाहर की तरफ आवाज़ देगा बेस अंदर की तरफ से बनेगी इसकी और ये देखिए बिल्कुल एयर टाइट है मैं इसे ऊपर कर रहा हूँ बेस रेडिएटर को तो स्पीकर ऊपर ही ठहरा हुआ है वापस अंदर नहीं जा रहा इसी तरीके से मैं स्पीकर को मूव कर रहा हूँ तो बेस रेडिएटर भी मूव हो रहा है हमारा इसका मतलब ये कम्पलीटली एयर है, है। यहाँ से आप पॉजिटिव और नेगेटिव अच्छे से ध्यान रख के आपने इस ऑर्डर करने हैं देखिए है, दोनों वायर हमने इस ऑर्डर कर दिए बिल्कुल अच्छे से और अभी ये मैं वायर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट कर ले रहा हूँ शॉर्ट करने का मकसद ये है कि हम ये वायर क्योंकि थोड़े फ्रजाइल होते हैं इतने मजबूत नहीं होते इस साइड को भी मैं इसकी कोटिंग हटा दूंगा लाइटर से इसे जलाकर इसकी ऊपर की जो इंसुलेशन है वो हट जाए ताकि और फिर मैंने इसके ऊपर चढ़ा रहा हूँ एक बिल्कुल पतली वाली हीट श्रिंक मैंने दोनों वायर्स के ऊपर चढ़ा दी है दोनों मैग्नेट वायर्स के ऊपर ताकि वो आपस में शॉर्ट ना हो और मैं यहाँ से इसकी वायर की लेंथ को एक्सटेंड करूँगा एक नॉर्मल वायर से स्पीकर वायर भी कहते हैं इसे ये जो मैं इसमें एम्पलीफायर बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ उसके साथ ये आए थे दोनों स्पीकर जैक्स जी एस टी कनेक्टर्स अब मैं ये वायर्स को आपस में सोल्डर करके एक्सटेंड करने जा रहा हूँ इसे एक्सटेंड करने जा रहा हूँ अब मैं इसके ऊपर यह हीट श्रिंक अप्लाई कर दूँगा सोल्डरिंग ड्रिंक कम्प्लीट हो गई है सोल्डरिंग कम्प्लीट होने के बाद इसके ऊपर हमने हीट श्रिंक अप्लाई कर दी और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरे सारे वीडियोस जेनवन होते हैं कोई फेक नहीं होते तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर दिया करें एक लाइक तो बनता है आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से बनाता हूं मैं वीडियो आ, अच्छा इसको वायर्स को अपने इस साइड के ऊपर रखकर बिल्कुल यहाँ पर सुपर ग्लू कर देना है ताकि वो बेस रेडिएटर को डिस्टर्ब ना करे बेस रेडिएटर की मूवमेंट से वो इसमें ज़रा सा भी टकराएगा तो डिस्ट्रॉशन पैदा होगी जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा ये देखिए यहाँ तक कि हमारा कंप्लीट हो चुका है आगे अब नेक्स्ट स्टेप में हम आपको दिखाएंगे इंस्टॉलेशन एम्पलीफायर की बैटरी की अब ये जो सेंटर में मैंने एक पीस कट किया था यहाँ पर मैं ड्रिल से होल्ड करने के बाद मैं रेती फाइल से इसको इसके एक ओपनिंग बना रहा हूँ जहाँ पर हमारे यू चार्जिंग पोर्ट आएगा ये देखिए आप यहाँ मेरा कैमरा थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस हो गया था इसके लिए माजरत इसके लिए सॉरी ये एम्पलीफायर बोर्ड में इसमें यूज़ कर रहा हूँ डी डब्ल्यू सी टी फोटीन ये आपको आराम से बैंक या अमेज़ॉन पे मिल जाएगा अब यहाँ पर जो इसमें कैपेसिटर लगा हुआ था इस कैपेसिटर की लोकेशन थोड़ा मुझे सही नहीं लग रही थी तो मैं इसे रिप्लेस कर रहा हूँ इसे पीछे से हटाकर मैं सामने की तरफ ले आऊँगा ताकि हमारे एम्पलीफायर आराम से अच्छे से मजबूती से इस पर फ़िक्स हो सके हम जहाँ उसे फ़िक्स करना चाह रहे हैं लेकिन पोलैरिटी का आपने ख्याल रखना है कैपैसीटर का माइनस जहाँ है उसका नेगेटिव वो वहीं पर रहे अगर आपने उल्टा लगा दिया तो एम्पलीफायर ख़राब हो जाएगा आपका आपको फिर नया खरीदना पड़ जाएगा ये मैं इसे वापस ऑर्डर कर रहा हूँ पीछे से हटा के मैं आगे की तरफ ले आया इसे Uh, काफ़ी सारी जगह है इसमें आगे की तरफ आ सकते हैं इसी तरीके की इसकी स्पीकर की जो पिनस है वो भी मैं डिसऑर्डर करके निकाल दूँगा अभी हमारे पास है चार्जिंग मैनेजमेंट बोर्ड और ये यू चार्जिंग है फाइव वोल्ट डी चार्जिंग बैटरी को चार्ज करता है बैटरी चार्जिंग मैनेजमेंट मॉड्यूल है ये ये परचेस कर सकते हैं आप ऑनलाइन बहुत ही इजीली मिल जाता है बैगुड्स और अमेज़ॉन पे अवेलेबल है आसानी से बहुत ही सस्ता है इसके साथ में बैटरी के वायर्स ऑर्डर कर दूंगा ये बैटरी के वायर्स इस पे पर ऑर्डर हो गए जहाँ पर बी लिखा हुआ है बी पॉजिटिव बी नेगेटिव उस पर मैंने बैटरी के प्लस और माइनस ऑर्डर कर दिया और उसके ऊपर अब मैं यहाँ पर जो है थोड़ी सी इस फाइलिंग कर लूँगा ताकि इसका जो ये यू पोर्ट है ये हमारे कंटेनर से थोड़ा बाहर आ सके और उसकी इंस्टॉलेशन अच्छे से बनी रहे और यहाँ पर मैं दोनों कैप्स दो कैप्स जो थे हमारे कंटेनर के तीन कैप्स थे बेसिकली इनमें से दो कैप्स में मैं होल्ड करके स्पीकर के वायर यहाँ से दूसरी तरफ ले आऊँगा और ये देख रहे हैं आप लोग इसको इस इस तरीके से इसमें कैप करना है कि स्पीकर के वायर की लेंथ शॉर्ट ना हो जहाँ से हमारे ये दो कॉपर वायर्स अंदर से आ रहे हैं उसी तरफ ये बना रहे होल इसी तरीके से सीधा होना चाहिए यहाँ से अब मैं साइड पर यहाँ पर इस कैप के अंदर सोल्डरिंग आयरन की मदद से होल कर लूँगा ताकि हमारा जो बेस रेडिएटर है वो फ्रीली मूव हो सके इसके पीछे वाली जो फ्रिक्वेंसी वो यहाँ से बाहर आएगी बेस यहाँ से बाहर आएगी इन होल्स की जगह से और आपने अंदाजे पर कर लेना है अब मैं जो है इसके अंदर होल कर रहा हूँ एक अंदाजे के ऊपर और इसके ऊपर बाद में हम कवर कर देंगे तो ये बुरा नहीं लगेगा अब यहाँ पर इसका एक्सेस प्लास्टिक मैं ब्लेड की मदद से रिमूव कर लूँगा हमारी जो नाइफ़ है इसकी मदद से मैं इसके ऊपर एक्सेस प्लास्टिक जो सोल्डरिंग आयरन यूज़ करने की वैसे हीट की वैसे मेल्ट होकर बाहर आया है उसे मैं निकाल लूँगा ताकि हम जब ऊपर कवर चढ़ाएँ तो ज़्यादा प्रॉब्लम ना करे जितना फ्लैट सरफेस होगा उतना इजीली इसके ऊपर कवर चढ़ेगा ग्लू ज़्यादा अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी दोनों हमारे स्पीकर्स तैयार हो गए दोनों तरफ के वायर्स के मैंने जीएसटी कनेक्टर जैक्स हटा दिए और वायर्स को शॉर्ट करके उसके ऊपर अब मैं सोल्डरिंग कर लूँगा ताकि हमारे सोल्डरिंग करने के लिए वो तैयार हो जाए यहाँ पर मैंने चार्जिंग मैनेजमेंट बोर्ड के नीचे डबल साइड टेप लगा के इसको इस तरीके से चिपका रहा हूँ और ये बीच वाला पीस मैं इंस्टॉल करते हुए दिखाना भूल गया मुझसे वो क्लिप डिलीट हो गया था दूसरी साइड का जब मैं इंस्टॉल करूँगा तो आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से इंस्टॉल करना है यहाँ पर सारी वायरिंग बहुत ही ईजी है स्पीकर के वायर बोर्ड के ऊपर मैंशन है वहाँ पर आपने स्पीकर के वायर ऑर्डर कर देने, बैटरी के वायर जहाँ पर मैंशन है वहाँ पर आपने बैटरी के वायर ऑर्डर करने हैं लेकिन चार्जिंग पोर्ट के थ्रू आते हुए और बीच में एक स्विच लगा देना है अपने मैंने टेम्प्रेरी ये स्विच लगाया था कुछ लॉकिंग स्विच है सेल्फ लॉकिंग इसके बाद मैंने इसे रिप्लेस कर दिया था क्योंकि ये सही काम नहीं कर रहा था इसके अंदर कुछ फॉल्ट आ रहा था ये मैं ग्लू की मदद से हॉट ग्लू की मदद से और ये बोर्ड्स को और सारी जो भी चीज़ें मैंने इसके अंदर इंस्टॉल की हैं सबको सिक्योर कर लूँगा अपनी प्लेस अपनी जगह पर ताकि ये हिले नहीं अच्छे से बने रहे बैटरी मैंने इसके अंदर 300 हंड्रेड की बैटरी यूज़ की है जो कि इतनी ज़्यादा टाइमिंग नहीं देगी लेकिन काफ़ी टाइमिंग देगी अगर इसे हम नॉर्मल आवाज़ के ऊपर यूज़ करें अब ये बैट ए, स्पीकर के स्विच पावर स्विच के लिए मैं थोड़ा सा होल जो मैंने किया था उसे थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ ताकि हमारा ये दूसरा टाइप का जो स्विच है इसके अंदर आसानी से फिट हो सके ये इसके ऊपर का कैप है ये इसके ऊपर फ्रीली मूव होना चाहिए लेफ्ट एंड राइट ताकि आपका पावर स्विच ऑन एंड ऑफ़ ईजिलीली हो सके ये मैं दूसरे स्विच के ऊपर वायर ऑर्डर कर रहा हूँ पिछले वाले स्विच पर से मैंने वायर हटा दिया डिस ऑर्डर करके और ये मैं इस पर ऑर्डर कर चुका हूँ ये वायर्स ऑर्डर हो चुके हैं और अब आप इसके ऊपर देख रहे हैं कि ये मैं जो दूसरी तरफ का राइट साइड वाला स्पीकर है इसके वायर भी सॉर्डर कर लूँगा और सॉर्डर करने के बाद मैं जो एक्स्ट्रा वायर्स हैं नीचे की तरफ से वो मैंने ट्रिम कर लिए एक्स्ट्रा सॉर्डरिंग ताकि हमारा जो पीसीबी है वो इसके ऊपर आसानी से फिट हो सके एम्पलीफायर का जो सर्किट बोर्ड है हॉट ग्लू की मदद से मैं एम्पलीफायर को ब्लूटूथ चिप को इसके ऊपर रोक दूंगा ये मैंने हॉट ग्लू अप्लाई कर दी है और ये हमारा पीसीबी जो है ब्लूटूथ एम्पलीफायर बोर्ड ये इसके ऊपर आसानी से टिक जाएगा बिल्कुल बना रहेगा यहाँ पर मैं थोड़ी सी ग्लू अप्लाई करके जो हमने स्विच लगाया है जो सोल्डरिंग की है वो यहाँ से बाहर निकल आएगा और ग्लू की मदद से वो वहीं पर रुक जाएगा और ये कैप इसके ऊपर बिल्कुल आसानी फिट हो जाता है ये फिट हो जाएगा उसके बाद हम इसे थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और ऊपर से भी ग्लू अप्लाई करेंगे ताकि ये और मजबूती से अपनी जगह पर बैठा रहे ग्लू ड्राई होने के बाद हम इसे थोड़ा सा ट्राई करेंगे कि ये अभी तक ये ड्राई नहीं हो आप देख रहे हैं मैं इसमें एडजस्टमेंट कर रहा हूँ थोड़ी आपका स्विच जिस तरीके से एडजस्ट हो उस तरीके से आप कर लें आप अपने मुताबिक कर सकते हैं जो स्विच आप ये समझ में आए कर लें ऑन ऑफ करके ट्राई कर लें फिर बाद में वो जो एक्सटेंडेड पीस ऑफ वायर थे वो मैं दूसरी साइड वाले स्पीकर के ऊपर से ऑर्डर कर रहा हूँ और उसके ऊपर मैं चढ़ाऊंगा हीट श्रिंक हीट श्रिंक चढ़ाने से पहले मैं इसके ऊपर से एक्स्ट्रा एक्सेस सोल्डरिंग हटा रहा हूँ और ये मैंने हीट श्रिंक चढ़ा दिया आप लोग देख रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा हो अगर अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ में आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं कोई मसला नहीं है मैं आपके हर कमेंट के आंसर करता हूँ और ये देखें दूसरी साइड वाला जो पार्ट है इसे भी हम इसके ऊपर अब इंस्टॉल करने लगे हैं यहाँ मैंने आपको जो दिखाया नहीं था पहली वाली साइड पर वो आप सिमिलर इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ पर मैंने ग्लू अप्लाई की थी ग्लू अप्लाई करने के बाद हमने इसको उसके सेंटर पार्ट से अटैच कर लेना है इसको इस तरीके से स्टिक कर लेना है जैसे जैसे ग्लू सूखती जाएगी और ये ये मैं ऐसे थोड़ा सा रोटेट कर रहा हूँ ताकि ग्लू अच्छे से स्प्रेड हो जाए इसके अंदर ये रबर कंपाउंड एडिशिव है ये रबर ग्लू है जो कि रबर सीमेंट भी कहलाती है ये जैसे ही ये ड्राई होती है काफ़ी स्ट्रॉग हो जाती है ये अपनी जगह से कहीं भी नहीं जाएगा एक बार इसे ड्राई होने का चांस चाहिए थोड़ा सा ड्राई होने में थोड़ा टाइम लेती है थोड़ा समय लगेगा इसे ड्राई होने में उसके बाद जो होल थे वो मैंने बाहर से बाहर से भी होल्स कर ले रहा हूँ ताकि ये आ, सेंटर पार्ट जो है वहाँ से भी एयर बाहर आ सके वरना वहाँ पर फिर दोबारा एयर टाइट हो जाता है और ये मैंने सारे होल्स को दोबारा सोल्डरिंग आयरन की मदद से दोबारा ओपन कर लिया है और इस तरीके से मैं रोटेट करता जाऊंगा और सारे होल्स को ओपन कर लूँगा और इस तरीके से ये होगा कि ये जो प्लास्टिक जो आपस में मेल्ट होके आपस में जुड़ जाएगी वहाँ से भी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग जो है ना इसकी बॉन्डिंग हो जाएगी उसके बाद हम पावर ऑन करके चेक कर लेते हैं कि ब्लूटूथ हमारा ऑन हो रहा है और अच्छी तरीके से चार्ज भी हो रहा है मेरे पास ये एक क्लोथ बैग पड़ा हुआ था मैं इसके जो ये स्ट्रिप्स हैं मैं इसे कट कर लूँगा दोनों स्ट्रिप मैंने कट करके निकाल लिए जो इसके हैंडल्स थे बैग को कैरी करने के लिए इसके ऊपर मैं ग्लू अप्लाई करके इसे स्पीकर के सेंटर में लगाऊंगा ग्लू इस तरीके से आप अच्छे से स्प्रेड करें ये वाली जो रबर कंपाउंड ग्लू होती है आपकी रबर एडिसिव रबर सीमेंट भी कहते हैं इसे इसको आपने दोनों सरफेस पे अप्लाई करना ज़रूरी होता है अगर दोनों सरफेस पे आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा ग्लू अप्लाई करनी होती है एक्सेस ग्लू ताकि वो दोनों तरफ ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो जाए ये देखिए मैं दूसरी तरफ भी जहाँ पर मैंने इसे क्लॉथ को लगाना है मैं वहाँ पर भी ग्लू अप्लाई कर रहा हूँ और ये एजिस के ऊपर भी अप्लाई करूँगा क्योंकि इसे यहाँ तक आना है ग्लू अप्लाई करने के बाद हम इस स्ट्रिप को जैसे ही ड्राई हो जाए इसके ऊपर प्लेस करके अच्छी तरीके से इसके ऊपर स्टिक कर देंगे आपने इसे एडजस्ट अड, करना है जैसे आप देख रहे हैं जैसे आपका डिज़ाइन उस हिसाब से आप कर सकते हैं मुझे डिज़ाइन अच्छा लगा मैंने बस ऐसे ट्राई करने के लिए बनाया कैसा लग रहा है मैं चाहता था कि एक ट्रांसलूसन स्पीकर यानी कि ट्रांसपेरेंट स्पीकर का वो हो एनक्लोजर और स्पीकर उसमें बनेगा कोशिश ये है कि वायरिंग भी नज़र ना आए लेकिन मैंने काफ़ी थिन वायर यूज़ किए फिर भी हल्के फुलके नज़र आ रहे हैं आप लोगों को डिज़ाइन कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा एक्सेस क्लॉथ को हम कट करके निकाल देंगे और ये बिल्कुल इस तरीके से जोड़ आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा ज़्यादा इतना वाजहे नहीं होगा इतनी आसानी से नज़र नहीं आएगा अब ये मेरे पास एक ख़राब केबल पड़ी हुई थी आ, ब्रोकन ऑडियो वीडियो जैक जो होता है इसे मैं इसके कट करके इसके रिंग बना लूँगा स्पीकर के साइड पे एज ए डेकोरेटिव रिंग जो कि स्पीकर की ब्यूटी को और बढ़ा देगा और दिखने में अच्छा लगेगा आप लोगों को ये किस तरीके का लगा ये प्रोजेक्ट आ, आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं अगर इसके अंदर आपको कोई चीज़ गलत नज़र आ रही हो तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ये हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया ये देख रहे हैं आप इसे पावर ऑन करते हैं तो इसके अंदर से सेंटर में से लाइट्स आती है सेंटर में ट्रांसपेरेंट इसलिए बनाया और ये साइड से ट्रांसपेरेंट इसलिए बनाए ताकि इसका रेडिएटर आप लोगों को नजर आए ये देखें बिल्कुल एयर टाइट भी और इजीली मूव भी हो रहा है अगर दूसरी साइड से ये एयर टाइट नहीं होता तो ये मूव भी नहीं होता चलें स्पीकर तो अब कम्प्लीट हो गया है चलते हैं अपनी टेस्टिंग की तरफ और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से चल रहा है अब हम इसे चार्जिंग की तरफ चार्जिंग पोर्ट पर लगाएंगे और देखेंगे कि चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है और ये देखिए ये चार्ज हो रहा है रेड लाइट और जैसे ये इसमें ब्लू लाइट जल जाएगी आ, मदर बोर्ड पर चार्जिंग पोर्ट पर तो ये इसका मतलब है फुल चार्ज हो जाएगा लेकिन ये वाली जो फ्लैशिंग ब्लू है ये है हमारे ब्लूटूथ बोर्ड की कि आपका ब्लूटूथ बोर्ड इस वक्त पावर ऑन हो चुका है तो हम इसे सर्च कर लेते हैं और सर्च करने के बाद आपको चेक कराते हैं कि इसका साउंड कैसा है इन्जॉय द साउंड इन्जॉय द ऑडियो और आप मिलते हैं अगले वीडियो में